सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चार एस पी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिला शिक्षाधिकारी महोदय का ये आदेश निर्गत हुआ है, इस जिले के समस्त स्कूलों के हेडमास्टर्स के लिए जिन विद्यालयों में बूथ निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि विधानसभा 2022 के जो मतदान होने हैं उसमें पोलिंग पार्टी जाएंगी, उनके भोजन की व्यवस्था में सस्पेंस रहता है। उस सस्पेंस को जिला शिक्षाधिकारी महोदय ने इस आदेश में क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि विद्यालय बनवाएगा या पोलिंग पार्टियों की तरफ से रहेगा। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर दी जाएगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो दिए उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। विद्यालय को चुनाव कार्य हेतु राशन, ईंधन आदि किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं होता है, क्योंकि यह चुनाव कार्मिक को कैश में दे दिया जाता है। इस बाबत बुलंदशहर जिले में स्पष्ट आदेश कर दिए गए हैं। खाना बनाने में जो भी लागत की दर आएगी वो कर्मचारी को देनी होगी, तथा मिनिमम और रेट भी विवाद की स्थिति से बचने के लिए जारी किए गए हैं। कार्यालय जिला शिक्षाधिकारी बुलंदशहर 4 फरवरी 2022 का ये आदेश है। समस्त प्रधानाध्यापक बूथ वाले विद्यालय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जनपद बुलंदशहर, विषय विधानसभा निर्वाचन 2022 में पोलिंग पार्टियों को भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में उक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर द्वारा निर्देशित किया गया है कि निर्वाचन में कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 9 फरवरी 2022 व 10 फरवरी 2022 को उनके निजी व्यय और मांग पर विद्यालय में कार्यरत रसोइयों द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार चाय भोजन समय अनुसार उपलब्ध कराएंगे। मेनू निम्नवत रहेगा, जैसे मतदान दिनांक 10 फरवरी 2022 को प्रथम चरण का होने जा रहा है, पोलिंग पार्टी पहुंचने पर 9 फरवरी 2022 को चाय व बिस्किट पार्ले जी की लागत प्रति व्यक्ति 10 रुपये निर्धारित की गई है और रात्रि भोजन 7 बजे शाम को 9 फरवरी 2022 को रोटी पूरी दाल चावल सब्जी आलू मटर टमाटर की सलाद मूली गाजर प्याज टमाटर आदि का 60 रुपये, और इसी प्रकार से 7 बजे आपके 10 फरवरी को जिस दिन मतदान होना है उस दिन के सुबह का नाश्ता चाय व बिस्किट पार्ले जी 10 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ रखी गई है, और दोपहर के लिए 1 बजे 10 तारीख को मतदान के दिन रोटी पूरी दाल चावल सब्जी आलू मटर टमाटर की सलाद मूली गाजर प्याज टमाटर आदि 60 रुपये निर्धारित किए गए हैं प्रति व्यक्ति की दर से। नाश्ता 3 बजे शाम को मतदान के अंत में शाम को 3 बजे चाय व बिस्किट पार्ले जी 10 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से ये नाश्ता में है, तो ये 150 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से यहाँ पर आपके भोजन और नाश्ते की दर पहले ही चुनाव ड्यूटी में निर्धारित कर दी जाती है। प्रशिक्षण के दौरान उपरोक्त के क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय में प्रति बूथ 4 कर्मियों की दर से 3 बार चाय हेतु डिस्पोजल कप, भोजन 2 बार हेतु डिस्पोजल प्लेट थाली तथा चम्मच गिलास आदि की व्यवस्था प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी। समस्त प्रधानाध्यापक विद्यालय में कार्यरत रसोइयों को भोजन बनाने हेतु निर्देशित करें तथा सामग्री स्वयं 8 फरवरी 2022 तक विद्यालय में उपलब्ध करा दें, तथा कार्मिकों से प्राप्त धनराशि रसोइया के पास जमा होगी जिसे प्रधानाध्यापक प्राप्त कर लेंगे। यह आदेश श्री अखंड प्रताप सिंह जी जिला शिक्षाधिकारी बुलंदशहर, इन्होंने बहुत ही स्पष्ट आदेश निर्गत किया है कि जो भी नाश्ता और भोजन में सामग्री उपयुक्त होगी उसकी प्रधानाध्यापक व्यवस्था विद्यालय में कराकर जाएंगे, और यह धनराशि 150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 व्यक्तियों की या 4 व्यक्ति जो भी कार्मिक होंगे उनकी धनराशि इकट्ठा जमा करा दी जाएगी रसोइया के पास, और वो रसोइया अपने हेडमास्टर या प्रभारी प्रधानाध्यापक को यह धनराशि वापस कर देंगी। तो इस पर स्पष्ट है कि यह धनराशि आपको विद्यालय से नहीं खर्च करनी है, विद्यालय में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो उन्हें आपके नाश्ता और ये भोजन की व्यवस्था मेनू के आधार पर दिया जाए, ये पहले ही पोलिंग पार्टियों को दे दी जाती है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश था साथियों, और आपके ज़िले में भी इसी प्रकार के कुछ आदेश
आने की इंतजार करिए और देखिए कि आपके यहाँ क्या निर्देशित किया जाता है। तो नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद। विधानसभा 2022 में पोलिंग पार्टी मतदान पार्टी में लगे मतदाता मतदान कर्मियों को अपने भोजन के पैसे स्वतः देने होते हैं। इसका भुगतान उनको ऑब्जर्वर द्वारा रात्रि में ही कर दिया जाता है। भोजन नाश्ता आदि का भुगतान उसी में समाहित होता है।